नमस्कार दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन में मैं संदीप कुमार झा आप सभी का हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज है 2 फरवरी 2019, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो देश में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और हमारे नॉलेज के इम्प्रूवमेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यह स्टार्टअप से जुड़े मामलों से निपटने के लिए जनादेश देता है जिससे दूसरों के बीच कारोबार करने में आसानी होती है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नवनामित विभाग आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने, खुदरा व्यापार और व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण, व्यापार और स्टार्टअप करने में आसानी की सुविधा सहित कई मामलों से संबंधित होगा। आदेश को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट विलेज कैंपेन के लिए 385 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? इसका सही आंसर है पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए चल रहे निर्माण कार्यों के ग्रामीण विकास और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 384 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। स्मार्ट विलेज कैंपेन नामित इस योजना को 14वें वित्तीय आयोग और मनरेगा के कार्यों से प्राप्त धनराशि से वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है 2019। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 1869 में अपने पहले प्रकाशन को उजागर करने के लिए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2019 को घोषणा की है। आवर्त सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने डिज़ाइन किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई इस बिंदु को बढ़ाने में सहायता करेगी कि रसायन विज्ञान, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य में वैश्विक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाता है। इस वर्ष मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी के पहले प्रकाशन की 150वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने सीमांत किसानों के लिए किसान सुविधा ऋण की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है उज्जीवन लघु वित्त बैंक। हाल ही में उज्जीवन लघु वित्त बैंक ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है व इसके MD व CEO समित घोष हैं। योजना उत्पादों और सेवाओं के साथ पिरामिड के निचले हिस्से तक पहुंचने का प्रयास करेगी। किसान सुविधा ऋण का उपयोग किसानों द्वारा कृषि और संबंधित गतिविधियों दोनों के लिए किया जा सकता है। उत्पाद को विशेष रूप से विभिन्न संबंध और कृषि गतिविधियों के लिए ग्राहकों को जरूरत पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ष 2017-18 में भारत की बेरोजगारी की दर में 4 दशकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है 6.1%। हाल ही में राष्ट्रीय पतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर में 2017-18 में 45% से बढ़कर 6.1% हो गई है। यह विमुद्रीकरण के बाद एक सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित रोजगार पर पहला व्यापक सर्वेक्षण है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5.3% की तुलना से 7.8% है। बेरोजगारी दर 1972-73 की तरह अपने उच्चतम स्तर पर है। देश के किस राज्य में केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय प्रयोगशाला को स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, आप आंसर भी ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने नासिक महाराष्ट्र में इस संस्थान की नींव रखी। यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में निर्मित विद्युत उपकरणों का परीक्षण और प्रमाणन करेगी। यह एक स्वायत्त निकाय है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही आंसर है 6 पनडुब्बियों। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इन पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। यह MOD के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप SP मॉडल के तहत दूसरी परियोजना है जिस इस योजना पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें सेना के लिए लगभग
5000 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अधिग्रहण को भी मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में भारत पर्व का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में भारत पर्व का समापन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाल किले नई दिल्ली में किया गया। इसमें 27 राज्यों ने स्टॉल लगाकर अपने भोजन, हस्तशिल्प और पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करके इस कार्यक्रम में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों ने ईरान के साथ इंस्टेक्स नामक एक भुगतान चैनल को स्थापित किया है? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, यूएस, यूके और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। हाल ही में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ईरान के साथ इंस्टेक्स नामक एक भुगतान चैनल को स्थापित किया है। यह ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमेरिकी प्रतिबंधों को दूर रखने में मदद करेगा। यह विशेष भुगतान प्रणाली तेहरान को यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ व्यापार करने की अनुमति देकर ईरान परमाणु समझौते को बचाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2018 में परमाणु समझौते को अचानक छोड़ने के बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग रग में गंगा नामक यात्रा वितरांत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, यह किस चैनल पर संचालित या प्रसारित किया जाएगा? इसका सही आंसर है डीडी नेशनल। हाल ही में डीडी नेशनल पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डीडी नेशनल द्वारा इसे एनएमसीजी के सहयोग से बनाया गया है ताकि गंगा के कायाकल्प की जरूरत को पूरा किया जा सके। उन्होंने मेरी गंगा नामक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने बजट 2019 में छोटे व सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हाल ही में केंद्रीय अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 को पेश किया। इसमें सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की सुनिश्चित आय को प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय की सहायता मिलेगी। इससे 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। 3 किस्तों में इसमें पैसा दिया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है $239 बिलियन। हाल ही में भारत को पिछले 5 वर्षों में $239 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI प्राप्त हुआ है। अधिकतम विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले मुख्य क्षेत्रों में सेवाएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, ऑटोमोबाइल निर्माण और बिजली थे। FDI के शीर्ष स्रोतों में मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, अमेरिका और जापान शामिल हैं। क्वेश्चन, केंद्र ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए किस पेंशन योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानवधन योजना। हाल ही में बजट 2019-20 में यह घोषणा की गई है कि संगठित और संगठित क्षेत्रों में उन सभी श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना नाम की योजना सेवानिवृत्ति पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन देगी। इससे संगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आम जनता के लिए और परीक्षा की दृष्टि दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे देश में एक नई खुशी की लहर भी दौड़ी है। यह क्वेश्चन है कि सरकार ने कितने रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर के दायरे से बाहर रखा है? इसका सही आंसर है 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। 6.5 लाख तक की सकल आय वालों को भी निर्धारित विधियों में निवेश करने पर कोई कर नहीं देना होगा। इससे 3 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों को 18,500 करोड़ का कर लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न 24 घंटे में संसाधित किया जाएगा और प्रतिदाय शुरू किया जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे देश के अपने अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने गायों के उत्पादन व उत्पादकता के लिए किस आयोग को स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की है?
इसके सही आंसर है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। सरकार ने 1 फरवरी को गायों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए इस आयोग को स्थापित करने की घोषणा की है। चालू वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। अंतरिम बजट में पशुपालन और मत्स्य पालन को करने के लिए किसानों के लिए 2% ब्याज उत्पादन प्रदान करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग को भी स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब बात करते हैं हम पिछले प्रश्न के उत्तर की। पिछला प्रश्न पूछा गया था कि देश के किस राज्य में जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की गई है, तो इसका सही आंसर है ओडिशा। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए विशेष योजना को शुरू किया है। इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु। अब इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।